हाँ जी दोस्तों, साडे चैनल दे उपर तुहाडा स्वागत है। आपां एक्सल दी ट्रेनिंग बारे गल कर रहे हैं। एक्सल दी ट्रेनिंग दे इन्हां वीडियोज़ दा मेन परपज यही है, असीं अपने पंजाबी भैन भरावां नाल माइक्रोसॉफ्ट दे सॉफ्टवेयर बारे नॉलेज शेयर कर सकीए, ताकि असीं हार्ड वर्क दे विच्चों निकल के असीं ईजी जॉब ऑफिस वालियां जॉबां दे विच जा सकीए, HR जॉबां, एडमिन जॉबां, मैनेजमेंट जॉबां, अते अपने बिजनेस नूं असीं इन्हां सॉफ्टवेयरां दी मदद नाल होर ज़्यादा एक्सपैंड कर सकीए। क्योंकि असीं 2021 दे विच अते हर एक चीज़ डाटे नाल, रैकॉर्ड मैनेजमेंट नाल बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। जे तुहाडे बिजनेस दा जां तुहाडी टीम दा, तुहाडे स्कूल दा, तुहाडे स्टूडेंट्स दा, जिहदे डाटा ते तुसीं रैकॉर्ड मैनेजमेंट सही तरीके नाल करदे हो, तां तुसीं अपने पास्ट दे डाटे नूं लै के तुसीं अपना फ्यूचर प्लैन कर सकदे हो, ईजी जॉबां कर सकदे हो। क्योंकि ऑफिस वालियां जॉबां तुसीं घरों बैठ के भी कर सकदे हो। जेकर तुसीं ऑलरेडी एडमिन जॉब कर रहे हो, मैनेजमेंट HR जॉब कर सकते हो, तो इन्हां स्किल्स दे नाल तुसीं अपनी जॉब नूं अगे वधा सकते हो, अपने काम दे उपर तुहाडी जिहड़ी वैल्यू नूं तुसीं इनक्रीज कर सकते हो। पिछले लैसन दे विच आपां काफ़ी बेसिक्स कवर कीतियां सी, अते आपां इनसर्ट टेबल बारे तुहाडे नाल शेयर कीता सी, ते मूवी डाटा। सो ये मूवियाँ की लिस्ट है, 5000 मूवियाँ की लिस्ट है पिछले 40-50 साल दियाँ, कि केड़ी मूवी ने उदा रन टाइम की है, उदी रेवेन्यू की है, उदी वोट एवरेज की है, ये सारा डाटा, उदा नाम, केड़ा जैनर, उदा केड़ी कॉमेडी सी जां फैमिली सी, केड़ी मूवी सी, उस बारे सारा डाटा है। सो जिस तरह आप पहला गल कर सकते कि अपने को डाटा है, असीं आपां इस डाटे की हैल्प नाल असीं देख सकते हैं कि हुण तक लोगों ने किहड़ी मूवी नूं ज़्यादा वोट्स दित्तियां ने, किहड़ी मूवी ने रेवेन्यू ज़्यादा कमा, रेवेन्यू किहड़ी मूवी की ज़्यादा है, अते वोट्स किहदियां जा रहियां ने, वोट काउंट्स किहदियां जा रहियां ने। उस बेसिस ते एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी उस तरह दियां मूवियां ही रिलीज़ करेगी जिस तरह दियां मूवियां लोग पसंद करते हैं इस डाटे के बेस पर। तो इस तरह अपना डाटा जिहड़ा वो साडी फ्यूचर प्रोग्रेस दे विच, सानू बिजनेस एक्सपैंड करन दे विच साडी मदद कर सकता है। लास्ट लैसन दे विच आपां कवर कीता सी इनसर्ट टेबल किवें करना है, इहनू सिलैक्ट करके तुसीं टेबल इनसर्ट कर सकते हो, मैं इहनू क्लिक करके जेकर तुहाडे हैडिंग्स हैगे ने तुसीं इहनू टिक कर सकते हो, जे नहीं हैगे तां तुसीं इहनू अनटिक कर सकते हो, जां सिंपली तुसीं उस रेंज नूं सिलैक्ट करके सिंपली तुसीं कंट्रोल प्लस टी दब सकते हो, तुहाडा जिहड़ा क्रिएट टेबल दी ऑप्शन आ जाए। अगे अपना है गया ऑप्शन इनसर्ट दे विच पिक्चर किवें इनसर्ट करनी है, तुसीं इस डिवाइस तो जो पिक्चर इनसर्ट करनी है सिंपली तुसीं दिस डिवाइस क्लिक करके जिथे भी तुहाडी पिक्चर सेव है तुसीं जा के उसनूं इनसर्ट कर सकते। जे तुहानू तुहाडे डिवाइस ते पिक्चर नहीं सेव तां तुसीं ऑनलाइन जाके ऑनलाइन पिक्चर ते क्लिक करके तुसीं पिक्चर नूं सर्च कर सकदे हो। अगे अपनी ऑप्शन आ जांदी है इनसर्ट शेप्स। सो इनसर्ट शेप दे विच बहुत सारी शेप ने, कोई भी तुसीं शेप इनसर्ट कर सकते हो। अरे शेप इनसर्ट करन तो बाद जो तुसीं शेप इनसर्ट करोगे ऑटोमैटिक टैब आ जाएगा शेप फॉरमैट। शेप फॉरमैट भी तुसीं किस तरह का फॉरमैट उस शेप नूं देना है तुसीं वो भी कर सकते हो। शेप का फिल कलर किहड़ा करना है, येलो कर दिए, शेप की आउटलाइन किहड़ी करनी है रेड कर दी, मान लो टेक्स्ट फिल का कलर केड़ा करना है, जां शेप का डिजाइन केड़ा करना है, इफेक्ट केड़े करने ने, सारी चीजें तुसीं तरीके नाल कर सकते। अगे जो तुसीं राइट क्लिक करते हो तो सेम ऑप्शन राइट क्लिक ना भी तुसीं लै सकते हो, लिंक दी ऑप्शन है,
लिंक की ऑप्शन जो तुम इस पिक्चर के ना कोई लिंक तुम अटैच करना है लिंक क्लिक करके हम अगे ऑप्शन आ जाए ईमेल एड्रैस प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट एग्जिस्टिंग फाइल और वैब पेज जो थोड़े कंप्यूटर के कोई एग्जिस्टिंग फाइल फोल्डर है उसमें इस पिक्चर को अटैच कर सकते हो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट इस डिफरेंट शीट्स तुम जो उस अटैच करना उस लिंक में या ईमेल एड्रैस जो भी ईमेल एड्रैस टाइप करोगे ईमेल सो जो मैं किसी का नाम टाइप करता है तो ऑटोमैटिक देखोगे मेल टू ऑप्शन आ जाएगी मेल टू ऑप्शन बेसिकली है कि तुम जे जब किसी इस लिंक ना तुम किसी ईमेल सेंड करना चाहते हो मान लो भी थोड़ा साइन मान लो इतने तुम हेल्प साइन क्लिक इंसर्ट किया हो insert edit text help ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਲਪ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਿਡਲ ਚ ਕਰਤਾ ਸੈਂਟਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲਪ ਬਟਨ ਹੈ राइट क्लिक करके इंसर्ट लिंक करके तुम अपना ईमेल एड्रैस टाइप कर सकते हो my@myemail@gmail.com क्वेश्चन सो जो हुण देखो तुसी ऑलरेडी इंसर्ट लिंक हो गया जिहड़ा करसर है चेंज हो गया थले ऑप्शन आ रही है मेल टू myemail@gmail.com सबजैक्ट क्वेश्चन जो भी कभी कोई भी इस बटन दबेगा ऑटोमैटिकली आई ईमेल की ऑप्शन पॉप अप हो जाएगी अगे ऑप्शन है जी अपना जो तुसी इसनों कोई एक्सटर्नल लिंक तुसी अटैच करना है जी सिंपली ईमेल की बजाय वैब पेज पर क्लिक करके एड्रैस की जगह पर अपना वैब पेज का जो लिंक है टाइप कर सकते हो सो जेकर मैं इन क्लिक करांगा तो आ देखो अपना वैब पेज ओपन हो गया अगे ऑप्शन हैगी जी रिमूव लिंक की ओपन लिंक की असाइन मैक्रो ये एडवांस लैसन कवर करा साइज एंड प्रोपर्टी है साइज चेंज करना है फॉरमैट चेंज करना है ये सारिया को ऑप्शन ने तुम आप भी थोड़े बहुत यद प्रैक्टिस कर सकते हो एक वैसी स्प्रैडशीट खोल के ट्राई कर सकते हो जल्दी सीख पाओगे जेकर अभी छे फॉरमैट के उपर जाने शेप फॉरमैट के उपर जाने तो शेप फिल की ऑप्शन जो तुम देखोगे इतनी ऑप्शन आती है पिक्चर की ये पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो डाटा सो मैं पिक्चर ये इंसर्ट करना चाहता हाँ सो देखो तुसी उहदी जिहड़ी बैकग्राउंड दे विच पिक्चर इंसर्ट हो गई इस तरह होर भी डिफरेंट तरह टैक्सचर तुसी इंसर्ट कर सकते हो कई ऑप्शन है नो फील रख सकते हो जां मतलब जो भी तुसी करना चाहते हो अगे अपनी ऑप्शन आ जाती है स्मार्ट आर्ट भी सिमिलर चीज़ है पर इहदे थोड़ा जिहा जो तुसी अपने प्रोजेक्ट नूं थोड़ा फैंसी बनाना है तुसी लिंक्स दे विच अपना डाटा एंटर कर सकते हो टाइप वन टाइप टू या मतलब 2016 तीन साल 2019 2020 2021 तीन जो डाटा आदि लिस्ट बन जा कुछ भी किसी भी तरीके डिपेंड करता है कि तुहाडा प्रोजेक्ट की है उस तरीके इसमें एंटर कर सकते हो
सिंपली जो तुम कुछ गलत चीज़ एंटर करती डिलीट करना चाहते हो सिंपली क्लिक करना है तो डिलीट की अपनी कीबोर्ड के उपर दब देनी है। सेम विद पिक्चर, सो लिंक एंटर हो गया। सो पिक्चर के लिए तुम राइट क्लिक करनी पहला, राइट क्लिक करके क्लिक आउट करके डिलीट की रखनी क्योंकि ऑलरेडी लिंक अटैच है। जे असी लैफ्ट क्लिक करांगे तो लिंक खुल जाएगा, इसलिए राइट क्लिक करके आउट करके डिलीट, सॉरी कॉर्नर से सेलेक्ट करके डिलीट। अगेन सर्ट के अपनी आई स्क्रीनशॉट की तुम स्क्रीनशॉट कोई करना अपनी स्क्रीन अपना स्क्रीन का आ जाएगा, तुम कोई भी स्क्रीनशॉट अपना लैके इनसर्ट कर सकते। उस पिक्चर फॉरमैट ऑटोमैटिक आ गया, पिक्चर तुम डिफरेंट फॉरमैट देना है, तुम डिफरेंट फॉरमैट भी दे सकते। पिक्चर का बॉर्डर तुम चेंज करना है, पिक्चर के इफेक्ट चेंज करने ने, मतलब कई ऑप्शन ने, आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है या कलर देना है, मतलब करेक्शन करनी है, बैकग्राउंड रिमूव करनी है, कर सकते हो, क्रॉप करना है पिक्चर में, बहुत सारी दाड़ी ऑप्शन है। अगे अपना इंसर्ट के जी एडिंग्स ने ये बारे अपना अगे फीचर एडवांस लैसन गल करा, रैकमेंडेड चार्ट जो डाटा है तुम्हें अपना रैकमेंडेड चार्ट भी एंटर कर सकते। सो सिंपली मतलब पिक्चर में रिमूव कर डिलीट, तुम अपने डाटे में सिलेक्ट करना है तो रैकमेंडेड चार्ट क्लिक करोगे डिफरेंट चार्ट की ऑप्शन आ जाएगी, ओवर चार्ट भी तुम क्लिक कर सकते। सो इतने अपना डाटा सू दस रहा कि इस मूवी की जी अपना वोट रेट है, वोट है, रिव्यू है, वो इस तरह है। अगे तुम चार्ट के नाल जिवें प्ले कर सकते हो, ये एडवांस लैसन के आप कवर करांगे। बेसिक अपना उन्होंने उन्होंने सारे फंक्शन का कमांड्स का हैडिंग्स का मतलब की है अपना उस चीज़ों बारे डिस्कस कर रहे। सो इतने तुम नोट करो कि चार्ट डिजाइन की ऑप्शन आ गई, तो वह पिक्चर इंसर्ट की पिक्चर फॉरमैट की ऑप्शन आ गई सी। इस तरह एक्सेल ऑटोमैटिकली डाटा उस तरह चीज़ा अगे अगे खुल दिया जा फोटो रैकगनाइज करके। सो चार्ट ना तुम कई चीज़ा अगे प्ले कर सकते हो, चार्ट के उपर क्लिक करके कि चार्ट अगर दिखाना है कि नहीं दिखाना, अनटिक करना है, टिक करना है, सिंपली चार्ट के कोर्नर पर क्लिक करके उसमें डिलीट कर दो जो तुम डिलीट करना चाहते हो। ये अपना चार्ट कवर हो गया पिवट चार्ट। सो पिवट चार्ट बेसिकली बहुत वधिया मतलब बहुत वधिया एक फंक्शन है एक्सेल दे विच। मान लो तुसी ये तुहाडा डाटा है, ये बहुत सारा डाटा तुहाडे कोल, इसनूं तुसी एनालाइज करना चाहते हो, इसनूं एक वधिया फॉरमैट दे विच रखना चाहते हो। सिंपली तुसी अपने सारे डाटा नूं सिलेक्ट करना है, ऐ करन दी बजाय तुसीं कंट्रोल शिफ्ट डाउन दब सकते हो, तुहाडा सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। पिवट चार्ट, पिवट चार्ट तुसीं एग्जिस्टिंग वर्कशीट ते भी कर सकते हो रेफरेंस दे के। हुण मेरा पिवट चार्ट इत्थे एंटर हो जाएगा जां मैं न्यू शीट ते भी कर सकदा। तो देखो ये ऑप्शन आ गई अपनियां पिवट चार्ट दियां, और राइट साइड ते तुसीं देखोगे ऑप्शन आ जाएगी तुहाडी। मान लो तुसी बजट ते क्लिक करके बजट नूं तुसी बजट ते क्लिक करते हो, बजट कित्थे तुहाडा आ गया वैल्यूज़ दे विच, ये ऑटो रैकगनाइज कर दे कि केड़ी वैल्यू अपनी नंबरस दे विच, केड़ी वैल्यू अपनी टैक्स दे विच। मान लो जे आपां टाइटल ते क्लिक करते हैं, टाइटल तुसी देखोगे ऑटोमैटिकली एक्सिस दे विच आ गया, आई डी लैजेंड दे विच आ गई, रेवन्यू वैल्यू दे विच आ गया। सो इतने आप अगर फिल्टर भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके कि चीज़ अपना देखनी चाहते हैं, या इन्हों आप दोबारा ड्रैग करके वापस रिमूव भी कर सकते हैं। अगे ऑप्शन तुसी
इस दे सम नूं तुसीं समराइज वैल्यू बाय सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम मतलब पिवट चार्ट दे एक आप प्रोपर लैसन करांगे जिस दे विच आप पिवट चार्ट बारे ही गल करांगे बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शन ने पिवट चार्ट दे विच अते बहुत ही यूजफुल है जेकर तुहाडा डाटा ज़्यादा है। अगे अपने इनसर्ट दे विच ऑप्शन आ जाती है 3D मैप्स की। 3D मैप्स भी बहुत एडवांस चीज़ा लिए है जो मतलब तुसीं तुहाडा मूवी दे विच तुहाडे ते एक कोलम है कंट्री का अते तुसीं देखना चाहते हो कि केड़ी कंट्री ने केड़ी मूवी रिलीज़ की किन्नियां मूवियां रिलीज़ की मतलब इतने कंट्रियां दे नाम ने सारी आस्ट्रेलिया अमेरिका कनेडा सारिया दे इंडिया। सो जेकर तुसीं इनसर्ट 3D मैप करोगे ओपन 3D मैप करके तुसीं डाटा सिलेक्ट करोगे तो तुहानू एक मैप ते गूगल मैप की तरह तुहानू मैप ते उह सारियां मूवियां दा डाटा नज़र आएगा कि केड़ी मूवी केड़ी कंट्री दे विच किन्नियां मूवियां रिलीज़ हुई हैं मतलब फिर तुसीं उहदे तों माउस अपना उहदे ते माउस लैके जाओगे तो सारी तुहानू इनफॉर्मेशन दे देगा। पर आप एडवांस लैसन जिमें अगे आप एडवांस लैसन पिवट चार्ट दे एक प्रोपर लैसन करांगे 3D मैप ते करांगे जिहड़े 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 ज़्यादा टाइम जिन्हां जिन्हां ते लगेगा उहनां ते आपां डिस्कस करांगे। सेम विद ये चीज़ा हजे आप स्किप करते हैं सारिया आप लिंक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पर तुसी किसी सैल नूं भी लिंक दे सकते हो राइट क्लिक किया लिंक तुसी ये भी दब सकते हो तुसी ये भी दब सकते हो लिंक तुसी एड्रेस सो ये अपना एक मिनट राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक सो टैक्स टू इतने देखो टैक्स टू डिस्प्ले दे विच तुसी मान लो आपां पा दे सिर्फ ऑफिस ते एड्रेस तुहाडा हैगा ये सो ये तुहाडा टैक्सट डिस्प्ले होएगा ते जदों तुसी क्लिक करोगे तुहानू उस वैबसाइट दे उपर लै जाएगा। ये वेरी वेरी यूजफुल है मान लो तुसी मूवी बारे कोई गल करनी है मूवी दा टाइटल है सो इस मूवी बारे इनफॉर्मेशन देने लई तुसी इसनू गूगल ते सर्च करके राइट क्लिक करके लिंक करके उस मूवी दी जिहड़ा विकीपीडिया होएगा जां मतलब गूगल दा रिजल्ट होएगा तुसी ओह इत्थे टाइप कर दोगे तां इस तरह शो होएगा। सो तुहाडे बॉस ने जे मतलब जिन्ने भी मूवी बारे इनफॉर्मेशन ज़्यादा होर ज़्यादा इनफॉर्मेशन लैनी है सिंपली लिंक ते क्लिक करेगा उसनू ओह वैब पेज ते लै जाएगा सिंपली रिमूव लिंक करन दे लई तुसी राइट क्लिक करके रिमूव लिंक भी कर सकते हो जां तुसी सिंपली इसनू राइट क्लिक करके रिमूव लिंक सो लिंक तुहाडा रिमूव हो गया डिलीट करन दे लई सिलेक्ट करके इसनू सैल नूं सिलेक्ट करके डिलीट। अगे अपना आ जांदा टैक्सट बॉक्स। टैक्सट बॉक्स मान लो तुसी कोई चार्ट इनसर्ट कीता इस चार्ट दे बारे तुसी कोई इनफॉर्मेशन देनी है सिंपली तुसी इनसर्ट ते जाके टैक्सट बॉक्स इनसर्ट करके जिते टैक्सट बॉक्स इनसर्ट कर सकते हो तुसी अपने कॉमेंट्स लिख सकते हो ते तुसी उसनू लिंक भी कर सकते हो इनसर्ट सो ये तुहाडा जिहड़ा चार ये जिहड़ा तुहाडा टैक्सट बॉक्स है इसते बारे कॉमेंट्स दे लिया तुसी इसते बारे लिख सकते हो उस लाइन के तुसी कलर चेंज कर सकते हो सारा कुछ जो भी तुसी जिवें करना है डिपेंड करता है प्रोजेक्ट ते कि तुसी केड़ा प्रोजेक्ट तुसी अपने परसनल यूज लई कर रहे हो जां मतलब तुसी अपने किसी बॉस नूं वड्डा प्रोजेक्ट दे रहे हो किस परपज लई तुसी इहनूं एक्सेल दी जिहड़ी वर्कशीट है जां डाटे नूं यूज कर रहे हो जां कोई भी उहदी कमांड यूज कर रहे हो उस तरीके नाल तुसी इहनूं यूटिलाइज कर सकते हो। हैडर एंड फुटर सो जो हैडर एंड फुटर ते आपां क्लिक करते हैं सो हैडर एंड फुटर की है हैडर एंड फुटर है जो देखो प्रिंट जो आपां करिए सो इस दे उपर कोई हैडिंग नहीं है पेज नंबर नहीं है कोई सो हैडर एंड फुटर बेसिकली की करता है इनसर्ट हैडर एंड फुटर सो इत्थे काफ़ी ऑप्शन आने आ देखो तुसी डेट दी ऑप्शन है
ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਡੇਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਡਾਟਾ ਸੋ ਮੂਵੀ ਡਾਟਾ ਐਕਸਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੇਜ ਦੀ ਫੁੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਮੂਵੀ ਡਾਟਾ ਡੇਟ ਅਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਰ ਜਾਂ ਫੁੱਟਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਡਰ ਜਾਂ ਫੁੱਟਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਾਈਲ ਪਾਥ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟਾਈਮ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਪਿਕਚਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਵਿਊ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਆਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਸੈਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸਰਟ ਸਿੰਬਲ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 11 12 13 ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਰਟ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਲੈਸਨ ਆਪਣਾ ਇਨਸਰਟ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਨਿਊ ਟੈਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗਾ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਫੋਰਮੂਲਾ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ